बल्लू। हाँ भाई साहब, टेल मी। हम तो ये पूछना चाह रहे थे। भाई साहब, नो 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 नो, कुछ भी पूछियो, लेकिन जो ना पूछियो कि भाभी हमसे का बोल के गई। काहे से हमने तो वचन दो है, देखो। हाँ, आई डोंट टेल। ठीक है। नहीं नहीं, वो भाई जबरदस्ती थोड़ी है कोई, मत बताओ आप। अगर जा तो बता यार, क्या मतलब उनके चेहरे पे हम क्या कह रहे कि भाव कैसे आते। हैप्पीनेस मतलब उनके खुशी को ठिकान हो नहीं रहो। और फिर नो 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 नो, हमें कछु नहीं बताने, वचन दो है। माय जवान स्टॉप। एक्सक्यूज मी, ओ माय वाइफ फोन। हेलो चंपा डार्लिंग, हाउ आर यू, मिसिंग यू। आ जाके तड़पते अरमान, आ जाओ आ जाओ, बीटिंग माय हार्ट इज बीटिंग, आई मिसिंग यू। बल्लू इंग्लिश मैन। वाइफ से तो इतना ही प्रेम करूं जाते भाई साहब। हम भी तो ही करेंगे। एक्सक्यूज मी, माय वाइफ्स फोन। हेलो चमेली डार्लिंग, हाउ आर यू, आई एम मिसिंग यू। आ जाओ बेटिंग। माय अदर्स वाइफ फोन। आई हैव टू वाइफ्स। क्या क्या क्या? मतलब जो है कि हमारी दो दो बीवियां हैं। दो? यस। दो? यार जा टेम में भाई साहब, एक अफोर्ड करना मुश्किल है। अच्छो अच्छो से। सही सही। पर कैसे? कैसे नहीं पूछो बाबूजी, जे पूछो काहे काहे भाई साहब काहे। हाउ टू टेल, अब का बताएं यार। लॉन्ग स्टोरी, फिर भी चलो ठीक है बता देते। फर्स्ट टाइम आई मैरिज बन, और हम पे इम्प्रेस्ड हो गए। हाउ कैन लगे लाइक यू नोबडी, प्लीज बिकम हमारे दामाद अगेन। अविश्वसनीय। आओ भाई साहब, देते नहीं रुके। कहने लगे अगर हमारी चार पांच मोड़ियां और होती ना, चूज मी, हमारी क्या चुनती यार। तुम में यार कछु छिपी भाई खास बात हैगी जो हम लोगों को नजर नहीं आ रही। हाँ सही कह रहे पापा जी आप, बिल्कुल। हाँ भाई साहब, छोटी मुंह और बड़ी बात, हीरे की परख बस जौहरी के होते। नहीं वो तो खैर चलो, वो बात छोड़ो, आप हमें तो ये बताओ यार, हमसे एक नहीं संभल रही यार। वही तो बाबूजी, आप दो दो कैसे संभाल सकते हो भाई साहब। हम नहीं संभाला थे, दे टेक केयर, बे और है संभालती हमें। आओ मान लो अगर कनु एक को मन नहीं है काम करवे के लाने, तो दूसरों के हाथ हम कर लें। सब कुछ और अगर दूसरे की इच्छा नहीं है खाना बनावे की, तो पहली वाली कहती मैं तो हूँ, मतलब एक दूसरे की पूरक है दोनों। और सेवा ऐसी कि अब हम का बताएं आप लोगों का, मतलब हिलन नहीं देती। इन केस हमने ई तरफ देख लो है ना, तो भी समझ जाती हमें गाना सुनने। जमीन पे पांव नहीं रखन देती, मान लो हम रख रहे हैं, नो 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 स्वामी, चिल्ला चिल्ला के आ जाती हमारे पास। स्वामी आपको? अरे यार हम ही के बोले स्वामी, वो कौन के बोले। हाँ मतलब ठीक, जो कछु ज्यादा नहीं लग रहा। हाओ हमें भी लग रहा हो तो भाई साहब, फर्स्ट टाइम। लेकिन बाद हमें समझ में आ गई कि दोनों को मन ना फुल ऑफ लव मी, हाँ मतलब भरो भाव है, फुल ऑफ लव, एक दूसरे से कोनो पीछो नहीं रहबो चाह रही। कॉम्पिटिशन में
स्वामी कहबे से लेके पांव दबावे तक सब चल रहा हो बेचारियन को। माय टू ब्यूटीफुल वाइफ्स चंपा, ओ चमेली, आई एम मिसिंग यू डार्लिंग्स। अरे वाह अम्मा, ये चिट्ठी हमें दे दो, हम बढ़िया से कानूनी प्रेम पत्र में बढ़िया से सुंदर सुंदर बेले या फूल पत्तियां बना दे हैं, फिर तुम्हारा संभाल के धल लियो। आहा, ये तो हम कोई को नहीं देंगे, ये तो हम हमेशा अपने पास संभाल के रखें। ओ भैया, वाह बाबूजी, का बढ़िया काम करो है। और हमारे भोले बाबूजी ने ना जे कानूनी चिट्ठी देके बिल्कुल ही अच्छे से साबित कर दो कानूनी तौर से कि बे हमारी भोली अम्मा से बहुत ज्यादा प्रेम करत हैं। ओ, करत हुई है, पर बाके लाने कानूनी सहारा लाओ है, हैं? तो हम भी ऐसे नहीं मान है। सिटी भाभी, इतने आओ, अम्मा भाभी को चिट्ठी दिखाओ कैसी बढ़िया तैयार। देखो देखो, आजा आजा। अम्मा, हमें तो बस ये बता दो कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी रह गई थी कि हमारे पप्पू जी ने हमें ऐसा कानूनी लव लेटर नहीं दो। बहू, अब ऐसे कमियों की बात नहीं निकलवाओ तो अच्छा हुई है, कैसे कि भाभी बोलना शुरू करेंगे तो कि तो खत्म ही नहीं होंगे। अम्मा, जे आप हमसे कह रही का? बहू, इतने और को है ऐसी कमियन की दुकान, बाप पे भी सेल लगी हो। परमेश्वरी, उतर नहीं रही यार, इनको बढ़िया वाली चाय पिला दो अपने हाथ की। कानूनी चिट्ठी भिजवा दो तो पिला देंगे। बाबूजी, हमारी भोली अम्मा ना बहुत खुश हैं वो कानूनी चिट्ठी पाके, और हम का कह रहे हैं आपसे, आप ना ऐसी बहुत सारी कानूनी चिट्ठियां अम्मा को लाके दे दो, और वो वाली तो अम्मा ने खूब बढ़िया सजा के और संभाल के धर ली है। तनक बाहर जाओ, हमें अम्मा से कुछ जरूरी बात करनी है। काय का जरूरी बात करनी है बताएं, चलो। बात तो सुनो यार, तुम काय काय सुने, तुम्हारी बात है काय सुने यार, तुम्हारी बात का बतंगड़ काय के लाने बना दे तो यार। हम बना देते हैं बतंगड़, हैं? अरे कानूनी चिट्ठियां तुम भिजवा रहे हो और बतंगड़ हम बना देते हैं। वो उसी के बारे में बात करनी है हमें। हमें कोनो बात नहीं करनी, समझे? किते जा रही तुम जे झोला बोला लेके, हैं? देखो कि तो भी जाने से पहले हमारी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा, हम बता रहे तुमको। ये सब नाटक कर सकत हो, हैं? पर मन की बात ऐसे नहीं बता सकत, बाकी लाने कानूनी चिट्ठी भेजत हो, हद है। कितने जा कितने रही हो यार, कम हो बजा रही हो ऐसा के लाने, ऐसा नहीं करो यार। तुम बस ऐसे ही सपने देखते रहो, हैं? पहाड़ी वाले बाबा कहते जा रहे हैं आज हैं। ओ भैया, ये तो हमारे पेट से भी कटे हैं। अरे भगवान। प्यार किया गुरु वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना सकी तो वही कहे।
सूटी भाभा। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, अरे तुम नीचे जाओ, हमें तुम्हारी भाभी से कछु बात करनी। जाओ जाओ। नहीं गुड़िया, नहीं, तुम की गांव में नहीं जाओगे, कैसे कि हमें इनसे करो बात, नहीं करनी। नहीं बैठी है। अरे सूटी जी, हमने तो कछु करो भी नहीं है, हमसे गुस्सा खाए। जैसे तो गुस्सा है कि आपने कछु करो नहीं है, आप भी हमारी भोली भाभी को कानूनी चिट्ठी दे देते, जैसे हमारे बाबूजी ने अम्मा को दी है, तो आपको कछु घट जाता का भैया। अरे गुड़िया, तुमको कैसे बताएं, हम बाबूजी ने बहुत गलत करो है। ओ भैया, आपने तो हिम्मत दिखाई नहीं, अब हमारे भोले बाबूजी ने हिम्मत दिखाई हो तो आप उन्हें गलत कह रहे। अरे अरे गुड़िया, जी का मांग लिया तुमने, इन्हें कछु भी नहीं बोलो, क्या है कि अब हमारे पप्पू जी हमें खुशी देख नहीं सकते। सूटी जी की खुशी? सूटी जी कैसी बात कर रही हैं आप? आपको कैसे नहीं खुशी दे सकते हम? हमारी तो खुशी आपके खुशी में। सूटी जी, हम आपको कैसे दे दे वो? आपको हमारी भोली भाभी को दुख नहीं दिख रहा होगा भैया? उन्हें तनक सी खुशी मिल जाए तो कछु घट जाए का आपको? दे दो। गुड़िया तुम समझ नहीं रही हो, हम तुमको कैसे समझे? गुड़िया जी हमारी बात सुनो। सीटी भाभी, तुम रो नहीं, अपन तो गोलगप्पे खाने चलेंगे, चलो। पप्पू भैया, अब अभी समय है, अब अभी कछु नहीं बिगड़ो है, अभी आप ना वकील चाचा को इतनी बुला लो, कानूनी कागज बनवा लो भैया। बढ़िया, चलो। जेका कितना मचा दो बाबूजी आपने। पप्पू चाय पियोगे बेटा? हैं? पी लो यार, बढ़िया अदरक वाली बना रहे तुम्हारे लाने। हमें नहीं पीनी चाय। है? इस पीने के चक्कर में सारा तितम्मा मचो है। पता है आपको बाबूजी, आपकी नशे की चपेट में पूरा घर आ गया है। अरे हमसे ऐसा काय कह रहे हैं यार? हैं? तुम तो जाना तो है यार, हमने जानबूझ के कछु नहीं करो यार। हैं? निकल गया हमारे मुंह से यार। पता है, अब ये कप चाय के लाने गिड़गिड़ा के सरला देवी से कही थी हमने, ठोकर आके चली गई सीधे सीधे। बाबूजी, आपको चाय की पड़ी है? उधर स्वीटी जी तलाक पड़ी है। हैं? हाँ। बाबूजी, हमें नहीं पता था बाबूजी कि इस घर में हम इतने गैर जरूरी हो गए हैं। अरे आजकल की स्त्रियों को कहा होगा और बेटा कछु समझ में ही नहीं आते यार, बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे थे। भाई साहब, आपको जब फोन आओ ना तो हम कचौड़ी ले रहे थे। लो, वो खा रहा हूँ कचौड़ी थे भाई साहब। आप ही खाओ, आप कौन खाओ? हम आओ तो जीवन कचौड़ी की तरह हो रखा भाई साहब इन दिनों। आओ, सरला देवी को जब मन होते बीच में से हमको फोड़ते, बामे तीखी मीठी जैसी चटनी खाने को मन होते वैसी चटनी मिलाते और कच कच करके खा जाते। अबे जे समझ में नहीं आ रही यार भाई साहब, क्या जरूरत थी आपको वकील को बुलावे की, जे सब तितम्मा मचावे की? अरे आप ही ने तो यार बंद। चलो अच्छा, हम अपनी गलती मान रहे हैं और बात दे रहा यार, हमने आपकी बात को सीरियसली ले लो तो जजमेंट तरह गलत होगा हो तो। पर हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, जब समनन जी खुद ही चाह रही हैं तलाक के लाने, तो हमारा सलाह यह है कि आप भी मुक्ति पाओ और उन्हें भी मुक्त कर। महोबा की है बे बात कर रहे, जलेबी की तरह संरचना है उनके मन की, समझे आप? लो हाँ, उनके मन में का बवंडर चल रहा हुई है, आप और हम जैसे आम आदमी समझ ही नहीं सकते। वे तो बड़ी खुशी लग रही है, मतलब तलाक के नाम पे आपने देखो नहीं, यहाँ तो
कैसे गजगामनी की तरह लहक रही थी तलाक के कागज पाके। यही बात तो हमको उलझन में डाल रही भाई साहब। इतनी बदतमीजियां खराब व्यवहार करने के बावजूद ऐसी खुश हो रही है वे तलाक के नाम पे की मतलब जैसे। और हमारा अनुभव जो है भाई साहब इन मामलन में आदमी ज्यादा लालायित रहते हैं तलाक के लिए, समझ रहे। हमारी तो उल्टी गंगा बह रही है यार। आप चिंता करो ना, हम बात करेंगे समझन जी से। क्या लग तलाक लेने तो जलेबी की तरह मत घुमाओ, सीधे सीधे बात करो और खत्म करो केस। पापा जी आप अम्मा को तो समझाओ ही मत, वो बहुत मजबूत विचारों वाली हैं, कोऊ के बस की नहीं है। आपको समझाना है ना, अब स्वीटी जी को समझा लो, उतने से काम चल जाएगा बस। हाँ स्वीटी को, हाँ स्वीटी को क्या कहलाना है? तलाक चाहिए स्वीटी जी को। हाँ स्वीटी को तलाक चाहिए? ये मुंह मसूर की दाल हमने का करू करा के कैसे जुगाल करके मुंबई भगवे के बाद भी वहां से वापस आने के बाद भी हमने शादी कराई और उन्हें तलाक चाहिए, मतलब एक रिश्ता बनाओ तलाक चाहिए। आप टेंशन मत लो, हम समझा के आते। उते कहां है? तो उते नहीं है वो, खुशी मनाने गई है गोलगप्पे खाने। किते? हमें का पता किते गई है? जीवन चाट बनो जा रहा हो, रहने कोल गप्पा खावे की लगी है। यही हम कह रहे थे, आजकल की स्त्रियों के विचार कछु समझ में ही नहीं आते यार उनको व्यवहार। बस बस भैया, हमार तो मुंह दुगो, हम और नहीं खा सकत। कोई बात नहीं, हमें तो खवा दो, हम और मुंह नहीं थकू अबे तक। खिलाओ खिलाओ। तुम थी भाभी डाउन सेट। थैंक यू गुड़िया। खिलाओ खिलाओ। ऐसे क्या देख रहे हमारे भोले चाचा जी, अंग्रेजी बोल रहे हम लोग अंग्रेजी। अंग्रेजी? अच्छा हमें जो बताओ इन गोलगप्पन को अंग्रेजी में क्या बोले थे? हमें क्या पता? कोई बात नहीं, पता चल जाए। बाकी लाने ना अपने मन में बिल्कुल भी हीन भाव न लाने की जरूरत नहीं है। बल्लू भैया है ना बढ़िया अंग्रेजी सिखाते हैं आपको, बढ़िया वाली। आप हाथ चलाओ, हाथ का रोक ले आपने, हमें तो खबर जाओ। आओ इन्हें लगातार खबाज जाओ ताकि इनको पेट खराब हो जाए और भुगते हैं हम। अरे बाम तुम्हारे पहाड़ी वाले बाबा के टेटे रमा मौसी को भी लेते हैं। नमस्ते मौसी। नमस्ते गुड़िया, हम बिना क्लास में भर्ती होना है। अरे बाम मौसी जी, आप भी अंग्रेजी सीखना चाहती हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कल एकदम टाइम पे आ गई हो। नमस्ते। नमस्ते, चलो तो चल रहा। कैलाश कितने खिला रहे, बस करो। खुबाओ खुबाओ, तुम भी खा लो। अम्मा काय जब का फरमाइश कर रही हो तुम दामाद जी से? काय पापा, हमने दोनों गलत फरमाइश कर दई का। तना का कल है का नहीं है स्वीटी? समधी जी जा से कछु नहीं बोलो आप, जाकी तो आदत है हमें नकल करवे की है। हम कोनो भी चीज में जैसे जीत नहीं जाए बस। अरे आप तो समझदार हैं जी, मतलब हम क्या कह रहे हैं समधन जी, तनक सी अक्कल जाए भी दे दो, जाए भी समझाओ। मेन पॉइंट पकड़ने अपने को, मतलब घर को माहौल ठीक करो। समधी जी हम बहुत इज्जत करते हैं आपकी, पर जा मामले में अब नहीं सुन रहे माई है। अब आप बताओ हमें के जो बात कानूनी चिट्ठी लिख के बता सकते हैं वो मौसा नहीं बोल सकत का? नहीं जा बार नहीं झुक रहे हम, होगा फैसला होगा। एक तो जा मोड़ी और सुनो, चलो होगा चलो चलो तो कैलाश पैसा बाद में दे दे हैं। तुम चल रही का? ठीक नहीं कर रही अम्मा जी, तुम बिल्कुल भी हमारे संग है। कछु समझे ही नहीं आ रहा हो यार कि जब आपकी खुशी मना कि समधन जी ने तलाक लेवे को मन मना लगा है, कि जब आपको दुख कि स्वीटी भी तलाक लेवे को कह रही है। खैर स्वीटी को तो हम समझा लेंगे।
हाँ।